मॉर्निंग प्रियांशी, न्यू रूम में कैसा लग रहा है? सेटिंग यस, न्यू रूम जैसा लग रहा है ना। और देखिए प्रियांशी के बेड में कितना कपड़ा गिरा है सारा, मुझे आज दोपहर को काम करना है। और प्रियांशी इधर जो सेटअप कर ली तो अच्छा है, क्योंकि सुबह सुबह फ्रेश एयर आएगा, पढ़ने में थोड़ा मन लगेगा, है ना। और मंडे किसी को पसंद नहीं है, मुझे भी पसंद नहीं है। हमेशा कभी भी सैटरडे होता है, सैटरडे को ही दुनिया का सबसे ज्यादा मूल्य दिया जाता है। ताकि वे संडे छुट्टी है तो आप लोग करोगे घर में इसीलिए ना। और फ्रेंड्स जब इधर वो जो किचन था ना, तो प्रियांशी अपना यूनिफॉर्म इधर नहीं हैंग कर पा रही थी, अभी आराम से हैंग करेगी, अपना कोचिंग वाला ड्रेस भी इधर हैंग कर पाएगी। दो दो हैंगर है ना, नहीं तो उसका कोई यूज नहीं आ रहा था, है कि नहीं। दुखी आत्मा, अभी बेड में चढ़ के वो आराम से कर पाएगी। और हम कल पूरा रूम क्लीन किए, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, ये जो सेल्फ को छोड़ के, डॉल हाउस वाला, वो करेंगे जब शूटिंग होगा, धीरे धीरे निकालेंगे, फिर क्लीन क्लीन करके रखेंगे, है ना। तो डॉल हाउस का कोई शूट नहीं तो होगा तो करेंगे, क्या करेंगे पता नहीं, हमको तो टेंशन लग रहा है। वेडनेसडे के लिए कोई वीडियो है नहीं, सोच रहे हैं प्रियांशी कभी रात को आके स्टडी विद मी या ऐसा कुछ बना देगी वेडनेसडे के लिए, है ना, कुछ भी इस टाइप का बना पाएंगे तो। और फ्राइडे के लिए तो है, एक को एडिट कर देंगे, और संडे उसके बाद, तो इस संडे को तो हो जा रहा है दिवाली, दिवाली सेटअप, दिवाली शॉपिंग, ये सब वीडियो बनाना पड़ेगा। फिर मंडे है, मंडे को दिवाली है, संडे छुट्टी है, एंड सैटरडे, सैटरडे हाफ डे है, तो सैटरडे हाफ डे को तुमको सब बना के भी एडिट करना है ताकि हम संडे दे पाए। और तुम्हारा सारा चीज आ जाएगा फ्राइडे तक, ओके। ब्रश किए हो नहीं किए हो? आज 7:30 से उठ गई है प्रियांशी, 7:30 से उठी हो ना, हाँ। तो धीरे धीरे वो जल्दी उठने की कोशिश करेगी, आज 7:30 हो गया, कल 7 ऐसे करेगी, उठ के थोड़ा पढ़ाई भी हो गया। कितना पढ़ाई हुआ? मैंने मेरा होमवर्क कर लिया। आर्यू का वो नोजी कपड़ा ले लो, तुम नोजी पोछोगे, तुमको भी तो जुकाम हो गया, स्कूल ले लो खोल करके, इसीलिए वो तुम्हारे पॉकेट में रह गया ताकि तुम उसको यूज करो और रखो, है ना। इसमें उसको पुराना नोजी लगा भी था, हमने इसको धोया और यूज। हाँ तो क्योंकि वो हम जब मॉल गए थे तो वो तुमको मैं बोली थी कि पॉकेट में एक रखो, उसका सर्दी जुकाम हुआ था तो पोछेंगे बोली थी। और घर आके फूल गए, वो पैंट को ऐसे ही फोल्ड कर दे, जब मैं वॉशिंग मशीन में कल धोने के लिए निकाली तो वो मिल गया, मैं सोची क्या है अंदर, तो मिल गया। सो आज बहुत बिजी डे है। उसके पापा बोले थे कि आज 7 बजे जाएंगे वो ऑफिस, लेकिन अभी उठे हैं 8 बजे और अभी बोल रहे हैं कि मेरे लिए खाना बनाए हो क्या, लेके जाएंगे, लेकिन उनके लिए खाना बना नहीं घर में, बस प्रियांशी के लिए और मेरे लिए बना है। तो चावल भजा दाल तुम्हारे लिए बना दी हूँ, मेरे लिए पानी वाला चावल बना दी हूँ, क्योंकि मैं गाड़ी सर्विसिंग के लिए देने जाऊँगी, उधर से आऊंगी, फिर खाऊंगी, फिर वो लोग करके देंगे, फोन करेंगे तो फिर लेने जाऊंगी, ऐसा करना पड़ेगा उतना दूर। सो मैं जा रही हूँ, उसके पापा के लिए थोड़ा रोटी बना देती हूँ, दो रोटी, फ्रॉक फ्रॉक कौन फ्रॉक देखो रेड वाला, मैं झाड़ू लाती हूँ। आज थोड़ा जल्दी उठी तो जल्दी रेडी हो गई ना, तो अभी पता चला जल्दी उठने का फायदा क्या है। अब तो 5 मिनट बाद गाड़ी आ जाएगा। और मैं ये चाय रोटी खा रही हूँ, चूड़ा उपमा बनाई हूँ, पोहा, लेकिन वो रख दी हूँ, प्रियांशी खाएगी स्कूल से आने के बाद। ये मंडे क्यों आता है? मंडे आता ही है, क्यों? हर दिन संडे होता क्या? हाँ, होने से अच्छा होता तो मैंने मना थोड़ी कर दिया। और पढ़ाई चढ़ाई कुछ नहीं होता। सो फ्रेंड्स आज मैं जल्दी से मतलब नहा धो के रेडी हो गई हूँ, मैं कहाँ जाने वाली हूँ आप लोगों को बता चुकी हूँ। आप घूमने जाने वाले और हम स्कूल घूमाने जाने वाले, अपना सर
अगर मेरा गाड़ी सर्विसिंग में 2 आवर बोलेगा लगेगा तो मैं उधर से प्रियांशी के दोस्त के घर चली जाऊंगी। हाँ गपशप करूंगी फिर उधर से आ जाऊँ। गाड़ी आ गया क्या? सो फ्रेंड्स प्रियांशी स्कूल चली गई है और उसके पापा भी ऑफिस चले गए हैं और मैं तैयार हो गई हूँ पूरी तरह से। एंड एक्चुअल में क्या है कि मैं कल रात को सो गई तो मेरा जो कल वाला ब्लॉग है आज आने वाला है वो मैंने एडिट नहीं की हूँ, तो वो बैठ के अभी एडिट कर रही हूँ। अभी बज गया है 10:15 एंड जल्दी से मैं वो एडिट करके अपलोड कर लूँगी। उसके बाद 11 के अंदर मैं निकलूँगी, क्योंकि अगर मैं अभी एडिट नहीं करके जाऊंगी ना तो आप लोगों को 2 ब्लॉग आ ही नहीं पाएगा। सो इसीलिए मुझे लगता है कि मैं रात को एडिट कर दूं तो मुझे सुबह थोड़ा रिलैक्स एंड फ्री लगता है। लेकिन क्या होता है ना कि कल बहुत ही थक गई थी घर साफ कर करके और मेरे कमर में भी दर्द हो रहा था तो मैं सो गई। जैसे ही बेड में बैठी तो लेट के सो ही गई तो एडिट नहीं कर पाई। तो कोई बात नहीं, मैं अभी एडिट कर देती हूँ। और मुझे आज, मैं जैसे बोल रही हूँ, मेरा शोरूम जाना है जहाँ से मैंने मतलब स्कूटी परचेज की थी, 6 हो गया, तो उसका सर्विसिंग के लिए मैं अभी निकलूंगी 11 बजे। सो फ्रेंड्स मैं आ गई और आते समय मैं ओला ऑटो से आई, क्योंकि उसके पापा का ऑफिस है और वो दूर है तो उधर से मुझे आके फिर नहीं छोड़ सकते थे। एंड मैं आप लोगों को बोली ना मैं 10:30 निकलूंगी, लेकिन 10:30 मैं मेरा मतलब डेली व्लॉग एडिट करने बैठी और अपलोड करते करते इतना इंटरनेट स्लो था आज पूछिए मत, मतलब 12 बज गया। वो अपलोड हुआ था, थंबनेल बनाई, ये सब करते करते मुझे पूरा पूरी 12 बज गया। एंड 12 मैं घर से निकली, इतना तेज की धूप, जाते वक्त तो हेलमेट पहन ली थी तो कोई इतना ये नहीं लगा, लेकिन उधर से मतलब फॉर्मेलिटी होता है, मतलब सर्विसिंग का, मतलब कागज़ कुछ कुछ होता है, नंबरिंग बाकी सब का, तो वो करते करते मुझे बज गया 30 मिनट 12:30। फिर मैंने ओला ऑटो बुक किया और घर आ गई और आके मैं खाना भी खा चुकी हूँ, लंच कर ली हूँ। मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाई, लेकिन आज मैं मतलब पखाल भात जो बोलते हैं, पानी वाला चावल, टमाटर, भिंडी का फ्राई एंड जो आलू परवल का फ्राई, बस इतना ही खाई, क्योंकि उसके पापा बोले थे कि आज सुबह जल्दी वो चले जाएंगे, खाना नहीं लेंगे, तो दाल थोड़ा सा बचा था, सो प्रियांशी कल वाला दाल बचा था तो प्रियांशी को दाल चावल भजा एंड भिंडी टमाटर फ्राई ये सब दे देने से तो हो जाता है, तो मुझे दाल इतना पसंद नहीं, सो मैं इसीलिए चावल में पानी डाल दी थी ताकि मैं दोपहर को पानी चावल खाऊं। तो मैं खाना खा ली हूँ, लेकिन अभी खाना खाने के बाद ना मुझे थोड़ा मतलब टायर्ड लग रहा है, जाके सो जाऊंगी और वो गाड़ी मतलब सर्विस होके 5 फ़ोन करेंगे वो लोग, तो उसके पापा बोले हैं दोपहर को आएंगे, अगर आएंगे तो उनके गाड़ी में चले जाएंगे और प्रियांशी को कोचिंग भी छोड़ देंगे, फिर जाके मैं गाड़ी को ले आऊँगी धन्नो को हमारी। मतलब पहला सर्विस तो हम लोग किए थे जुलाई के मतलब फर्स्ट वीक में, अभी फिर सितंबर अक्टूबर, अभी मतलब 6 हो गया हमारा गाड़ी का, 6 वाला सर्विसिंग चल रहा है। मच्छरों का पूरा टोली हो रहा है ना। मैं साइकिल सजाने गई थी और लेके आई हूँ फाइनली मेरा BMW। बैठो बैठो। क्या तुम्हारा BMW ठीक हो गया? हाँ, मेरा महंगा BMW ठीक हुआ है। हाँ। कोचिंग जा रहे हो? सो फ्रेंड्स मैं धन्नो को लेके आ गई सर्विस सेंटर से, अभी आई हूँ, अभी 7:30 बज गया, देखते देखते मतलब उसका तो हो गया था सर्विस, लेकिन उसके पापा ऑफिस गए तो मुझे छोड़ दिए, उधर से मैं लेके आई और फिर आज मंडे है तो आज हाटा होता है तो मैं सब्जी भी लेके आई, तो इसीलिए मुझे 7:30 हो गया। फिर पेट्रोल भी भराना था क्योंकि ख़त्म हो गया था, मतलब एम्प्टी थोड़ा थोड़ा लिख रहा था इस वजह से। सो आज धन्नो को देखने से बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि न्यू लुक हो जाता है, कि एक बार सर्विस हुआ था फिर ये सेकंड सर्विस है और एक बार होगा शायद 1 के बाद होगा, 6 वाला हो गया, फिर 1 में फिर एक बार धन्नो का सर्विस होगा। एंड आज प्रियांशी ना पहली बार मतलब लगभग बहुत दिन हो गया, 3-4 हो गया है वो साइकिल नहीं चला रही थी, और साइकिल नहीं चलाने की वजह से वो साइकिल क्या होता है ना उसमें ऑयल फॉयल नहीं रहने से पूरा सूखा सूखा होकर पूरा जाम हो गया था, एंड जितना भी आप पंप भरो हवा भरो तो वो निकल जा रहा था, तो मैं
आज उसको वो प्रियांशी खुद बोली कि आज मुझे साइकिल में जाना है, तो मैं जैसे ही वो स्कूल से आई मैं गई थी, मतलब पास में ही है साइकिल एक दुकान जो ठीक कराने वाली, लेकिन चल चल के जाने से टाइम लगेगा बोल के मैं उसके साइकिल में पंप डाल दी और चला के गई, तो मेरा पैर दुख रहा है, कितने दिनों बाद मैं साइकिल चला रही थी, से देख के सोच के ही कैसा लग रहा है, मतलब स्कूटी चलाने का आदत हो गया है ना, तो साइकिल चलाया नहीं जा रहा था। एंड देखना आज प्रियांशी खुद चला के गई है, आने से पता नहीं उसका भी पैर दुख सकता है, क्योंकि बहुत दिन बाद वो साइकिल चला रही है। मैं उसको स्कूटी में छोड़ूंगी कोचिंग, तो भी वो स्कूल से आने से थोड़ा सा खाना वाना खा के, मतलब 5-10 मिनट के लिए मैं हर दिन सोचूंगी उसको साइकिल चलाने के लिए बोलूंगी, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी कुछ हो ही नहीं रहा है, बैठो बैठो और जाओ पढ़ाओ यही सब हो रहा है ना, तो हमारे कॉलोनी में बच्चे लोग साइकिल चला रहे हैं, इवनिंग को प्रियांशी जब स्कूल से आती है तो चला रहे हैं, तो मैं भी प्रियांशी को बोलूँगी 10-15 मिनट के लिए कम से कम 2-4 राउंड तो साइकिल में चला के आ जाओ, फिर अच्छा लगेगा। मैं जब तक ब्रेकफास्ट मतलब सॉरी उसका स्नैक्स बना रही होंगी इवनिंग को, मैं वही करूँगी, क्योंकि रात को उसको मतलब मेन रोड में साइकिल में देना मुझे रिस्की लगता है, क्योंकि वो जब रास्ता क्रॉस करती है ना आगे पीछे कुछ नहीं देखती, सडनली मतलब ऐसे कट कर लेती है, इस वजह से। बस आज धनु नहीं थी तो इसलिए मैं आज एक दिन उसको साइकिल से जाने के लिए कोचिंग बोल दी हूँ, लेकिन कल से मैं बस मतलब गली में ही चलाओ बोलूँगी और उसके बाद मैं ही उसको कोचिंग छोड़ूंगी। और देखो धनु कितना सुंदर दिख रही है, आज पूरा क्लीन हो गया है, मिट्टी मिट्टी हो गई जाता है ना, पूरा क्लीन दिख रही है। मैं वापस आ गई हूँ ट्यूशन से, एंड ट्यूशन में कल दो टेस्ट, साइंस का टेस्ट और इंग्लिश का टेस्ट है, इंग्लिश का वीकली टेस्ट और साइंस का ऐसे मतलब मैम क्वेश्चन देंगी और पूछेंगी वैसे वाला टेस्ट है। तो SST का आज हम लोगों ने पंचायत वाला पढ़ा था, बहुत दिन बाद साइकिल चला के गई तो फिर मुझे ठीक लगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं साइकिल चला के भी जा सकती हूँ ट्यूशन। मम्मी खाली बोल रही है कि तुझे स्कूटी से छोड़ूंगी, अरे स्कूटी है तो मुझे स्कूटी से स्कूल छोड़ दो, ट्यूशन में साइकिल से चली जाऊँ, लेकिन मैं तो वैन में जाती हूँ, पता नहीं क्यों मम्मी बोलती है उनको टाइम नहीं होता, लेकिन उनको तो होता है, कभी कभार नहीं होता क्योंकि मेरी मम्मी बहुत बिजी रहती है आजकल एडिटिंग शूट वो सब में, उनका टेंशन भी बहुत है। हमारे स्कूल वालों ने बहुत सारा होमवर्क दिया तो मुझे बहुत सारा होमवर्क खुशी। मम्मी आप कितनी सुंदर हो ना, क्यों मेरे पाऊ भाजी बना रही हो, मतलब बना चुकी हो, लो मेरे लिए स्कूल के लिए भी बनाई रखी हो क्या? हाँ ये ज्यादा बनाई हूँ। थैंक्स। बटर को मिक्स कर देना ऊपर दी हूँ, ठीक है, और लेमन दे देना। लव यू मम्मी। प्याज चाहिए क्या? नो। तो अभी मैं फिर से मेरा यम्मी पाव भाजी खाऊंगी, थोड़ा सा ऊपर से वो रोस्ट जैसा हो गया है, और हमेशा हम लोग ये बड़ा लाइट ऑन ही रखते हैं। फ्रेंड्स प्रियांशी इधर पढ़ाई कर रही है और इधर मैं उसका टाइम टेबल जो फट गया था दीवार से निकाल दिए थे वो मैं बना रही हूँ, क्योंकि उसका स्टडी टेबल इधर चेंज हो गया ना इसी वजह से, एंड वो अभी लिख रही है, ये स्कूल का होमवर्क है ना, होमवर्क कर रही है, और यहाँ पे ये गोडेज के इस तरफ हम चिपका देंगे उसका दोनों टाइम टेबल ताकि खोलने से प्रॉब्लम नहीं होगा। तुम्हारे पास वो सेलो टेप है ना, ये वाले में मैं चिपका दूंगी उसका। और वेडनेसडे के लिए हम कोई वीडियो नहीं बना पाए तो ये आपके लिए बन रहा है स्टडी विथ मी, इधर पढ़ाई भी हो रहा है और इधर वीडियो भी बन रहा है, 2-in-1 काम हो रहा है, देखिए। सो फ्रेंड्स स्टडी तो प्रियांशी का हो गया और मैं जैसे कि बोली थी 11 बजे वो सोने जाएगी नींद, अरे क्यों बेड में सो रही, उस रूम में चलो सोएंगे, तो उसका पढ़ाई हो गया है, आ जाओ, गुड नाइट फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग। और इसका फेस देखिए कितना टायर्ड लग रही है, और इसके पास कोई पैंट शर्ट है नहीं, उसके पापा का जब भी देखो पहन लेती है, पता नहीं क्यों उसके लिए, और मैं परचेस नहीं करूंगी इतना सारा गोडेज में, क्यों तुम तो पापा का ही पहन रहे हो, कभी कभार मेरा पहन ले रही हो और मैं क्यों करूँ, पैसा क्यों खर्च करूं, है ना फ्रेंड्स, कमेंट करना कि हम प्रियांशी के लिए और कपड़ा खरीदें या नहीं खरीदें, क्योंकि वो उसके पापा का और मेरा पहन रही है इसीलिए। एंड आज का डिनर कैसा था? अरे आज का डिनर तुम दिखाई नहीं ना फ्रेंड्स लोगों को, वो कैसे बोल सकती हूँ ना, पापा जी बना दो, तो बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट फॉर वाचिंग दिस व्लॉग, आई लव यू ऑल, बाय, गुड नाइट, कीप वाचिंग।